जी सलाम वालेकुम, हसन अरशद। अभी ये पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊँ। मैंने एक बार लगाई भी है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ना, तो आज फिर से मैं सोचा, क्योंकि अभी से फिर अभी रिसेंटली आधा घंटा पहले मुझे एक और मैसेज आया, कल भी आया इसी चीज़ के ऊपर। मैसेज क्या आता है कि भाई हमारी ट्रैवल एजेंसी भाग गई है, हमारी ट्रैवल एजेंसी बंद हो गई है, हमारी ट्रैवल एजेंसी वाले का पता नहीं चल रहा। तो अभी तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए ये सारा कुछ करना, तो हम एप्लीकेशन करेंगे, एब्सकॉन्ड रिमूव हो जाएगा। सिर्फ अबू धाबी नहीं, ऑल ओवर द यूएई, यानी कि आपने वीज़ा वीज़ा अप्लाई किया मान लो के ट्रैवल एजेंसी वाले से, मैं ट्रैवल एजेंसी वालों, मैंने आपका वीज़ा वीज़ा अप्लाई किया, लेकिन आपको नहीं मालूम मैंने वीज़े के ऊपर अपना नाम लिख दिया कंपनी का, लेकिन वो मैंने आगे किसी और से लिया हुआ। मान लो कि ये वीज़ा है, इनका मैं नाम भी हाइड कर देता हूँ, ये भी दे, इधर ट्रैवल एजेंसी का नाम क्या लिखा हुआ है, यानी कि एक ऐसा नाम लिखा होगा ट्रैवल एजेंसी का, ठीक है। इनका मैसेज आया मुझे, ये बैनर फोटो इसलिए मैंने काटी हुई है कि ये फीमेल थी, तो मैंने पिक्चर इनकी काट दी, मेल भी होता तो फिर भी पिक्चर काट देता। तो इन्होंने बोला भी ट्रैवल एजेंसी बंद हो गई है, और हमारे लिए तो अभी बेहतर हो जाएगा, कुछ ऑप्शन निकल सकता है इसके लिए। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, भाई ट्रैवल एजेंसी बंद हो गई है, हम तो इधर परेशान है कि क्या करें, ट्रैवल एजेंसी जिससे वीज़ा लिया था वो बंद ही हो गई हुई है अमारात के अंदर। बहुत आसान हाल इसका, वेरी इजी है, सिंपल वे। किसी भी अमर सेंटर में चले जाओ, अगर दुबई में हो, अबू धाबी में हो, या किसी भी स्टेट में हो, किसी भी तहसील में चले जाएं, अमारात के अंदर कोई भी तहसील है, उधर जाएं, उसको बोले वीज़ा डिटेल चाहिए, ठीक है, अरबी में तफसीली तशीरा, अगर विजर वीजा है तफसीली तशीरा, और अगर रेजिडेंस वीजा है तफसीली अकामा, ठीक है। तो वीजा डिटेल वो चार्ज करेगा 200+, यानी कि 240 250 ऐसा कुछ आपको चार्ज करेगा, वीजा डिटेल निकल आएगा। वीजा डिटेल क्या होता है आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। वीजा डिटेल ऐसा पेज होगा, ठीक है, इधर ये पिक्चर लगी होगी, पिक्चर मैंने इनकी भी काटी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, आपका ट्रैवल एजेंसी का नाम, ये पूरा डिटेल ट्रैवल एजेंसी की है, इधर आपकी डिटेल आ जाएगी, इधर पासपोर्ट की डिटेल, ये पूरा एड्रेस लोकेशन पूरा तफसीली तशीरा, यानी कि वीज़ा डिटेल का मकसद ये होता है कि आपको आपका ट्रैवल एजेंसी का पता चल जाता है। इधर ट्रैवल एजेंसी का नाम क्या है, ब्लरी कैमरा किया हुआ, बाबा जी आईफोन के शशके, फुल शशके, ब्लरी बैकग्राउंड, पूरे मज़े, बाबा तेरा है मस्ती में। अच्छा अभी सीन क्या है, सीन ये कि इस वीज़ा पेज के साथ इनको फायदा क्या हुआ कि भाई इनको मेन ट्रैवल एजेंसी का पता चल जाता है। और ये तो है, सॉरी ये इनका नहीं था, ये किसी और का, ये क्लाइंट ने आज एप्लीकेशन की है उसका था, ये इतिहाद का एप्लीकेशन मैंने टाइप की है, देखे इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आएगी इनका, 6-7 दिन के अंदर अंदर फाइन का, इनका सिर्फ फाइन था, उनका पेज निकाला। इनका क्या हुआ, इनका मैं बताने लगा, कभी कभी क्या होता है आपको वीजा डिटेल लाजिम निकालनी पड़ती है, तफसीली कामा, तफसीली तशीरा, वो लाजिम निकालना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा चांस ऐसे होते हैं कि मेरे सिस्टम के अंदर से ही मुझे पता चल जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सब लोग अब मुझे वीज़ा भेजना शुरू कर दो, भाई हमारे कंपनी का एड्रेस पता कर दो, कौन है आप ये वाला बंदा, ठीक है ना। तो किसी भी तहसील में जाओ, उनको बोलो जी वीज़ा डिटेल चाहिए, आपको वीज़ा डिटेल दे देंगे, ठीक है। और अगर कोई ट्रैवल एजेंसी वाला या जिससे आपने वीज़ा लिया, वो आपसे 4,000 5,000 6,000 दिरहम हो रहा है लोगों के साथ, 6,000 दिरहम कल एक बंदे ने दिया ट्रैवल एजेंसी वाले को एब्सकॉन्डिंग रिमूव करने का, वो कहता है ये मेरा ट्रैवल एजेंसी वाला है, तो मैंने उसको बोला कि भाई साहब सिर्फ क्या करो, किसी भी तशहीर में जाके तशहीरा निकालो, उसके ऊपर से आपको एग्जैक्ट आपकी ट्रैवल एजेंसी जो है ना उसका मालूम होगा, ठीक है, उसका वो डिटेल निकालेगा। जो मेन ट्रैवल एजेंसी वाला, वो तो आपको 2,200 दिरहम चार्ज कर रहा है, ये आगे थर्ड पार्टीज होती हैं, ये आपको बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इनसे बचे। आगे ये वीडियो फिर इनसे बचे, मैं फिर बचान लगा जी तानू। तो ये सीन है, एंड ऑफ द स्टोरी क्या चीज है, इस बात को लंबा लटकाने का मकसद ये था कि आपको डिटेल से मैं बताऊं, ठीक है। अगर आप में से किसी ने इधर तक वीडियो देख ली है कमेंट काट देना, नहीं देखी तो माफी मुश्किल। तो इसके साथ ये होगा, आपका 5 से 6 हज़ार दिरहम नहीं लगेगा, आपका सिर्फ लगेगा 2,200 या 2,500 दिरहम जो आपने ट्रैवल एजेंसी वाले को देना है। तो अलर्ट रहे इस चीज़ से, काफ़ी ख्याल रखें इन चीज़ों का, और बाकी मैं वो ही हसन अरशद।
तवासुल बार बार मुंह से वही लोकेशन पुरानी वाली निकलती है। ये है डब्ल्यूटीसी मॉल बैक साइड अपोजिट लेक पार्क। सलाम वालेकुम।